दोस्तों बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के नाम पर टीआरपी खा रही है, और पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स के नाम ले लेके फेमस होना चाह रहे हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बात एंड बॉल पे, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ध्रुवराज वशिष्ठ। तो आइए एक और एक ऐसी टीम की बात करेंगे आज हम, जिसका एक ही मुद्दा है इंडियन क्रिकेट टीम, और आप भी जानते होंगे अच्छे से और हम भी जानते हैं कि हम किस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मेरे को सुनाई दी आवाज़ आप लोगों की, कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, और उनके एक और प्लेयर ऐसे हैं जो अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं, अपने स्टेटमेंट्स बोलते रहेंगे कुछ भी और बाद में माफ़ी मांगते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मर ऑलराउंडर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, अब्दुल रजाक की, जिन्होंने हाल ही में जसप्रीत बुमराह को बेबी बॉलर भी कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो स्टेटमेंट था उसको गलत तरीके से आगे बोला गया या फिर गलत तरीके से लिया गया। तो अच्छी बात है आपने माफ़ी मांग ली, आपने बोल दिया कि वो गलत तरीके से था, क्योंकि हमें ही पता है कि आपकी आधी से ज़्यादा बातें गलत ही होती है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा शायद बीसीसीआई एक ऐसा बोर्ड है जिसकी टीम है, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ न्यूज़ में बने रहने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के अलावा कोई और प्लेयर्स की बात होती ही नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा है हार्दिक पांड्या के बारे में, तो हम उस बारे में बात करते हैं। हार्दिक पांड्या, आपने जैसा कहा, एक मनी माइंडेड प्लेयर है, जिस वजह से वो अपने गेम पर ध्यान नहीं दे पाते। तो सर, हम आपको बता दें कि अगर मनी माइंडेड प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली बहुत पैसे वाले हैं, रोहित शर्मा के पास भी बहुत पैसा है, धोनी के पास भी बहुत पैसा है, और मुझे नहीं लगता इनका अपने गेम पे फर्क पड़ा है। तो वैसा ही सेम हार्दिक पांड्या के साथ भी है, वो भी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, हालांकि अभी इंजर्ड हैं, चोटिल हैं, लेकिन जब वापस आएंगे, वापसी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के प्लेयर हैं, किस तरह का ऑलराउंडर इंडिया टीम के पास है। दूसरी चीज़ आपने ये कही कि कपिल देव से कंपेयर करना एक गलत चीज़ है, क्योंकि आपने खुद को कभी वहाँ के जो हमारे आपके इमरान खान जी हैं उनसे कंपेयर नहीं कराया आपने। तो सर, हम भी जानते हैं ये चीज़ कि हार्दिक पांड्या खुद को कपिल देव से कंपेयर नहीं करते हैं, हम लोग उन्हें कपिल देव से कंपेयर करते हैं, क्योंकि प्रेशर बनता है जब हमारी जनता, हमारी आवाम जो है कुछ प्लेयर से चाहती है, तो वो प्रूव करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम कंपेयर करते रहेंगे, और देखिए कपिल देव को भी कपिल देव बनने में काफ़ी टाइम लगा है, तो हार्दिक पांड्या को कपिल देव बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बैठिए, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते रहिए, हम आपको मिर्च मसाला और देते रहेंगे, तो आपका भी चलता रहेगा, और हम बैठे हैं आपकी सारी सच्चाई बताने के लिए। और दूसरी चीज़, आपके स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा, जिसके अंदर आप ये भी बोलेंगे कि आपने जो बोला हार्दिक पांड्या के लिए वो शायद गलत वे में इंटरप्रिटेट किया गया है। थैंक यू। और दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की बात करना बंद करेंगे नहीं, और बात एंड बॉल वो बताना छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद।